प्रदेश में दुष्यंत चौटाला के बाद अब लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के सुप्रीमो एवं गोहाना से पार्टी के उम्मीदवार राजकुमार सैनी को धमकी भरा फोन आया। किसी शख्स ने कॉल कर सैनी को कहा कि या तो गोहाना छोड़ दे, नहीं तो जिंदा नहीं बचोगे, गोलियों से भून दिया जाएगा। 8307257891 नंबर से धमकी भरी कॉल आने के बाद सैनी ने तुरंत मामले की शिकायत पुलिस को दे दी है। अभी अभी ब्रिट्स कॉलेज में जो है ना, जहाँ पर काउंटिंग होनी है, उसकी इंस्पेक्शन पे गया और वहीं पर एक किसी की इतनी क्रूर लहजे में एक व्यक्ति का फोन आया कि अगर आप दो दिन यहाँ रह गए तो दो दिन में हम तुझे खत्म कर देंगे। अब मैं गाली जो उन्होंने दी उसको तो उस हिसाब से कैसे दूँ मीडिया के सामने, जो उसने बदतमीजी के साथ साथ जो उसका लहजा था कितना क्रूर था। तो जिसकी कंप्लेंट मैंने अपने डीजीपी हरियाणा के पास की है कि इस तरह की धमकी जो है ना मुझे मिली। और रात में एक लड़का हमारा कसंडी गांव का इलेक्शन एजेंट था, उसकी पिटाई की बुरी तरह से। अभी वो भगत फूल सिंह कानपुर यूनिवर्सिटी में पीजीआई के अंदर वो अभी एडमिट है। और अभी अभी एक घंटा पहले यहाँ पर जो हमारे कार्यकर्ता थे उसके घर पे लड़ियाँ लगी हुई थी, उनकी पिटाई करी गई बुरी तरह से। लड़के मोटरसाइकिल पे आए और पिटाई कर गए। और चार दिन पहले जब चुनाव का प्रचार जोरों पे था, मेरा रास्ता रोके 2.5 घंटे तक। और उसी तरह से रास्ता रोकने से पहले एक प्रोग्राम था खेड़ी दमकन में, वहाँ जो है ना दो बच्चे की बाजुआ तोड़ दी गई कि आप राजकुमार सैनी का प्रोग्राम दिखलाएंगे। इतनी क्रूरता मैंने किसी लोगों की मैंने देखी नहीं होगी, जितनी अंदर खाते हैं क्रूरता भरी पड़ी है। ये मुझे नहीं पता कि मैं किसी बाहरले दूसरे मुल्क में हूँ या अपनी स्टेट में हूँ। राजकुमार सैनी ने अपने ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि वह सुबह मोहाना के बिट्स कॉलेज में ईवीएम को लेकर गए थे। वहां जाते समय रास्ते में उनके पास एक धमकी भरा फोन आया जिसमें कॉल कर उन्हें अभद्र गालियां दी और जान से मारने की धमकी देते हुए गोहाना को जल्द से जल्द छोड़ने को कहा। साथ ही सैनी ने बताया कि इससे पहले भी उनके कार्यकर्ताओं पर चुनाव अभियान के दौरान हमले हो चुके हैं। साथ ही उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी जगबीर मलिक पर बीते दिन पोलिंग बूथ पर बैठकर मतदाताओं पर दबाव बनाने का आरोप लगाया। गुंडागर्दी करने वाले लोग सर पे चढ़ करके बोलते हैं और प्रशासन के पास जितने भी कंप्लेंटे हैं उन पर तो एक्शन होता नहीं। एक व्यक्ति के ऊपर जगबीर मलिक 2 घंटे तक बूथों के अंदर घंटा घंटा बैठा रहता है और टॉर्चर करता है उनको कि वोटिंग ना हो, लोग सामने ना आए, कि वोटिंग हट जाए। इस प्रकार से पूरे किसी गांव का दौरा ना करके जगबीर मलिक ने पूरे बूथों को डिस्टर्ब किया और एक व्यक्ति से जो बीएलओ था उसके साथ बदतमीजी की, उसे अंदर करने की धमकियां दी गई। धमकी मिलने के बाद अब पूर्व सांसद सैनी अपने आप को असुरक्षित बता रहे हैं। मामले की शिकायत सैनी ने तुरंत डीजीपी हरियाणा और एसपी सोनीपत को दे दी है और कहा कि जल्द इस मामले में वो लिखित में भी शिकायत दर्ज करवाएंगे। बहरहाल देखना यह होगा प्रशासन द्वारा इस मामले में क्या कार्रवाई अमल में लाई जाती है। गोहाना से सुनील जिंदल, पंजाब केसरी टीवी।